मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला कच्छ में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में मुख्यमंत्री शिवराज ने जनता से कहा कि आज आपने कच्छ की पगड़ी पहनाकर मेरा स्वागत किया है। अपने देश में पगड़ी से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता है। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका सम्मान और गुजरात की शान बढ़ाने में मेरा जो भी योगदान हो सकेगा मैं दूंगा। मेरे बहन और भाइयों, गुजरात की धरती बड़ी पवित्र धरती और भोजपुरा में तो श्याम जी कृष्ण वर्मा सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी, कोई अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के आजादी भेंट थोड़ी की थी। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे। और सचमुच में जब गुजरात की इस धरा को देखता हूं तो तीन महापुरुष मुझे याद आते। महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा का मार्ग पूरी दुनिया को दिखा दिया और आजादी ले ली अंग्रेजों से। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया। 550 से ज्यादा देशी रियासतें अगर इकट्ठी करने का चमत्कार किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उनके कारण भारत का आज ये स्वरूप है। और तीसरे नरेंद्र भाई, पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान शान, आज दुनिया भारत के बिना चल नहीं सकती। और उसका उदाहरण जो यूक्रेन का और रूस का युद्ध हो रहा था, हमारे बच्चे फंस गए हजारों। सब चिंतित थे बच्चे निकलेंगे कैसे, तो बच्चों ने भी तिरंगा हाथ में ले लिया और तिरंगा लेके आगे बढ़े। तो रूस ने भी कहा रोक दो, हथियार मत चलाओ। यूक्रेन ने भी कहा युद्ध विराम रुक जाओ, ये तिरंगा लेके इंडिया के बच्चे जा रहे हैं, इनको जाने दो। और गुजरात का जो विकास हुआ है, गुजरात के विकास की गाथा आज पूरे देश में पूरी दुनिया में छाई हुई। गुजरात मॉडल अद्भुत मॉडल, पूरी दुनिया इसकी नकल कर रही है। आज जनशक्ति, ज्ञान शक्ति, ऊर्जा शक्ति, जल शक्ति और रक्षा शक्ति, इसका बेहतर इस्तेमाल करके मोदी जी ने बना दिया गुजरात मॉडल। और पूरा देश और दुनिया गुजरात मॉडल आज देख रहा है और उस पर चलने की कोशिश कर रहा है। मैं भोजपुरा के बहनों और भाइयों, मांडवी के बहनों और भाइयों, आपसे निवेदन करने आया हूं। कांग्रेस के पास और केजरीवाल के पास कुछ नहीं, झूठे वादे करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि हमसे कोई चूक होगी नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन फिर भी मामा आया है तो मामा का फर्ज है कि मैं कह दूं कि भैया देखो धोखे में मत आ जाना। पिछली बार 9000 से जीते थे, इस बार 20000 पार ले जाना है अनिरुद्ध भाई को। कमल के फूल की बटन दबा के विकास की जो गंगा बह रही है, नर्मदा बह रही है, कच्छ में, भुज में, भोजपुरा में, मांडवी में, ये बहती रहे। भारतीय जनता पार्टी को वोट विकास की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट जनता के कल्याण की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देश की सुरक्षा की गारंटी है। आप सबका प्यार और आशीर्वाद अनिरुद्ध भाई को मिले। सब मिलके अपने गुजरात को आगे बढ़ाएंगे, मांडवी मुद्रा और भोजपुरा को आगे बढ़ाएंगे, यही निवेदन करने आया था आपसे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।